समान जीवन का भी मन बदला है। हमने इसको समझना होगा। पहले एक जमाना था कि अगर कागज पे सिर्फ निर्णय हो जाए कि एक रेलवे स्टेशन फलाना इलाके में बनने वाला है तो महीनों तक सालों तक एक सकारात्मक गूंज बनी रहती थी कि चलो हमारे यहां नजदीक में अब नया रेलवे स्टेशन आ रहा है। आज वक्त बदल चुका है। आज सामान्य नागरिक रेलवे स्टेशन मिलने से संतुष्ट नहीं है, वो तुरंत पूछता है वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे इलाके में कब आएगी। उसकी सोच बदल गई है। अगर हम एक बढ़िया से बढ़िया बस स्टेशन बना दें, फाइव स्टार रेलवे स्टेशन बना दें, तो वहां का नागरिक ये नहीं कहता है शाबाश बहुत बढ़िया काम किया है, वो तुरंत कहता है साहब हवाई अड्डा कब आएगा। यानी अब उसकी सोच बदल चुकी है। कभी रेल के स्टॉपेज से संतुष्ट होने वाला मेरा देश का नागरिक बढ़िया से बढ़िया रेलवे स्टेशन मिलने के बाद तुरंत कहता है साहब बात की तो ठीक है, हवाई अड्डा कब आएगा। पहले किसी भी नागरिक को मिले तो कहता था कि साहब पक्की सड़क कब आएगी, हमारी यहां पक्की सड़क कब बनेगी। आज कोई मिलता है तो तुरंत कहता है साहब फोर लेन वाला रोड बनेगा कि छह लेन वाला। सिर्फ पक्की सड़क तक वो सीमित रहने के लिए उसकी सोच। और मैं मानता हूं आकांक्षी भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। पहले गांव के बाहर बिजली का खंभा ऐसे ही नीचे ला करके सुला दिया हो तो लोग कहते चलो भाई बिजली आई, अभी तो खंभा नीचे पड़ा हुआ है, गाढ़ा भी नहीं है। आज बिजली के तार भी लग जाए, घर में मीटर भी लग जाए तो वो पूछता है साहब 24 घंटे बिजली कब आएगी। अब वो खंभे और तार से मीटर से संतुष्ट नहीं है, वो चाहता है। पहले जब मोबाइल आया तो उसको लगता था कि मोबाइल फोन आ गया, वो एक संतोष का अनुभव करता था, लेकिन आज वो तुरंत चर्चा करने लगता है कि डेटा की स्पीड क्या है। ये बदलते हुए मिजाज को, बदलते हुए वक्त को हमें समझना होगा।